हेलो गाइस, वार्म वेलकम यू ऑल ऑन एंग्लर जोन। एंड आज के वीडियो का डिस्कशन हमारा होगा वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड। और आज यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनकी लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि इस चैनल पे अपलोडेड होगा आप सभी के लिए। एंड वर्जीनिया वुल्फ की अगर हम बात करते हैं तो शी वॉज द ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा और 20th सेंचुरी। एंड सबसे पहला फैक्ट लाइफ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एडलिन वर्जीनिया वुल्फ 25th जनवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था एंड 28 मार्च 1941 को इनकी डेथ हुई थी। तो ओवरऑल इनका जो टाइम ड्यूरेशन था फ्रॉम 1882 से लेकर के 1941 का टाइम ड्यूरेशन था। तो शी वॉज द ग्रेट इंग्लिश राइटर एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मॉडर्निस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेरी फिगर। नेक्स्ट वन वी हैव, शी वॉज वन ऑफ द पायोनियर इन द यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ नरेटिव डिवाइस। उन्होंने अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ही ब्रिलियंटली यूज करा हुआ है एंड शी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट राइटर एंड ग्रेट नॉवलिस्ट वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को, जो कि न्यू ट्रेंड था 20th सेंचुरी का या मॉडर्न एरा का, उसको किस तरीके से अपने नॉवेल्स में यूज करा हुआ है। वी हैव द फाइन एग्जांपल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इन इंग्लिश लिटरेचर। जेम्स जॉयसी के साथ ये रिगार्ड की जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करने के लिए, इस नैरेटिव डिवाइस का यूज करने के लिए अपने नॉवेल्स में। एंड नेक्स्ट वन वी हैव, वुल्फ वॉज अ सिग्निफिकेंट फिगर इन लंडन्स लिटरेरी सोसाइटी एंड अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। वॉज द Association of group of the writers, English writers, intellectuals, philosopher and artists. And ये जो group था that was in the first half of the 20th century. और इसमें जो important जो writers थे, जो literary figures थे इस Bloomsbury group में, they were E.M. Foster, Lytton Strachey and Virginia Woolf. ये important literary figures थे जिन्होंने Bloomsbury group को join किया था। And Bloomsbury group जो था एक intellectuals and philosopher and English writers का group था, जो कि modern technique, modern topics पे अपने works को लिखा करते थे। Next important fact we have about Virginia Woolf is, Woolf became one of the central subject of the 1970s movement of the Feminist criticism से related to 1970 का movement था related to feminism, contribute किया English literature को, that gained much attention, क्योंकि जो ये अपने works को जब इन्होंने लिखा था, like आप to the lighthouse की बात करो या Mrs. Dalloway की बात करो, at that time her works were not very much popular, but when in 1970 feminist criticism that was a moment in History of English Literature, तो उस टाइम पे जो इनका वर्क था, जो इनके इन्होंने वर्क्स लिखे हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड, दे गेन्ड मच अटेंशन एंड मच पॉपुलर, एंड बिकॉज दैट वर्क्स, हर वर्क्स इंस्पायर्ड दैट मोमेंट एंड दैट द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द 1970s मोमेंट दैट वॉज रिलेटेड टू फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सो इनके वर्क्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया गया, बहुत ही अटेंशन उसको मिला, क्योंकि उस टाइम में इस इन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड, दे गॉट मच अटेंशन, और वो एक तरीके से इस मूवमेंट को इंस्पायर किया, बिकॉज शी हैड द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द विमेनिज्म और फेमिनिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वर्जीनिया वुल्फ वी हैव, वुल्फ वॉज बॉर्न इन एन एफ्लुएंट हाउस होल्ड इन साउथ केनिंगस्टन एंड लंडन। हर मदर वॉज जूलिया प्रिंसेप जैक्सन एंड हर फादर वॉज लेस्ली स्टीफन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेस्ली स्टीफन उनके जो फादर थे, ही वॉज द ग्रेट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर ऑफ द इंग्लैंड। एंड सो एक तरीके से आप एनवायरमेंट की बात कर लो तो वर्जीनिया वुल्फ हैज गॉट द सच एनवायरमेंट ऑफ द राइटिंग ऑफ द लिटरेचर सी हैड गॉट इन हर होम। एंड नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हर लाइफ वी हैव, and this is related to her education, because early age में जिस तरीके का education Virginia Woolf को मिला था, she got her early education at her home, because उन्होंने होम स्कूलिंग की थी। उनके घर में ये एक तरीके का ट्रेंड था कि बॉयज स्कूल के लिए जाते थे अर्ली टाइम्स में, अर्ली एजेस में, गर्ल्स घर पर ही रह के पढ़ाई करती थी। एंड फ्रॉम 1897 to 1901 she attended the ladies department of King's College London, where she studied classics and history and came into contact with early reformers of the women's higher education and women's rights movement. तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इनका, इनके ऊपर जो एक influence था feminism से related and women's का जो से relate करता हुआ इनका जो approach था, she got that her in her early life, in her early period of
लिटरेरी करियर, जब उन्होंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया, व्हेन शी अटेंडेड हर लेडीज डिपार्टमेंट किंग्स कॉलेज लंदन, तो उनको वहाँ पे क्लासिकल स्टडीज एंड हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडीज वो वहाँ पे उन्होंने इसका गेन किया. एंड एट दैट टाइम सी वॉज केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द रिफॉर्मर, जो कि रिलेटेड थे, रिलेट करते थे वुमेन्स हायर एजुकेशन से एंड वुमेन्स राइट्स मूवमेंट से. इन 1912 she married Leonard Woolf. Leonard Woolf से इनकी शादी हुई 1912 में. And 1917 में Hogarth Press को उन्होंने found किया, the couple, the both husband and wife. And much of works of Virginia Woolf was published in that press, in that Hogarth Press, which was founded by husband and wife Leonard Woolf and Virginia Woolf. In 1915 she published her first novel, The Boys Out. ये उनका फर्स्ट नॉवल था The Boys Out, जो कि 1915 में पब्लिश हुआ था. प्लीज नोट डाउन जरूर करते चलो आप इन सब फैक्ट्स को, इन सब वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम्स के लिए जा रहे हो या DSSSB एग्जाम के लिए जा रहे हो, KBS NBS के लिए जा रहे हो, तो आपसे को वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज शी वॉज द ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा. एंड उनका जो सब्जेक्ट मैटर था फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइट्स से रिलेटेड करता था, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट है जो कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने मेंशन कर रखा है कि 1915 में उन्होंने पब्लिश किया था अपना फर्स्ट नॉवल, दैट वॉज बॉयज आउट. एंड हर बेस्ट वर्क इंक्लूड द नॉवेल मिसेस डैलोवे, जो 1925 में पब्लिश हुआ था. मीन्स 10 ईयर्स का गैप था जब उन्होंने अपना एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बेस्ट नोन वर्क पब्लिश करा, दैट वॉज मिसेस डैलोवे. टू द लाइट हाउस 1927 में पब्लिश हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, दैट इज रिलेटेड टू द फेमिनिज्म. फेमिनिज्म सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता हुआ ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. ओरलैंडो 1928 का ये नॉवल है. एंड शी इज ऑल्सो नोन फॉर हर इशे, जो कि था अ रूम ऑफ वंस ओन, 1929 का ये वर्क था अ रूम ऑफ वंस ओन. ये इनका ऐसे था जो कि बहुत ही फेमस ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ का. इवन आप कह सकते हो कि शी वॉज द फेमिनिस्ट राइटर, शी हैड रिटन नॉवेल्स एंड शी हैड ऑल्सो रिटन एसेज. एंड ओवरऑल चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं. वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, सो दैट कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स या पोएट्स से रिलेट करता हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊँ. और इसमें आज के वीडियो में हमने सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड डिस्कस किया है. आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसमें वर्जीनिया वुल्फ के इंपॉर्टेंट वर्क्स को, उसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर को भी हम डिस्कस करेंगे अपने अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि वर्जीनिया वुल्फ से ही रिलेट करता हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं. वुल्फ फर्स्ट ट्राइड टू किल हरसेल्फ एट द एज ऑफ 22 बाय जंपिंग आउट अ विंडो, फॉर्चुनेटली सी सर्वाइव्ड. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि उनकी मेंटल जो हेल्थ थी दैट वॉज नॉट स्टेबल. एंड बिकॉज द फैमिली, इन द फैमिली व्हाट शी हैड सीन, उनकी मदर बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो गई थी. एंड दैट्स व्हाई शी हैड gone through a mental change and mental instability, and that's why उन्होंने अपने आप को मारने की, अपनी suicide करने की कोशिश की at the age of the 22, but fortunately she survived because उन्हें एक important and most important literary figure होना था English literature का, and most important novels लिखने थे feminism से related, feminist subject matter से related, इसीलिए वो survived हुई. Beyond the feminism for which she is known, Wolf lyrical writing is characterized by and celebrated for love of experimentation. ये था इनका important work, क्योंकि feminism से related उन्होंने works तो लिखे ही हैं. She is famous for that, but also she has written lyrical writings in her works, जिसके लिए उनका एक जो characterization था कि उन्होंने किस तरीके से experimentation अपने subject matter के साथ किया हुआ है, that was very much popular. And that was the another skill we have in Virginia Woolf, in spite of being a great feminist writer. Next important fact, and this is the last fact related to Virginia Woolf we have in this video. Virginia Woolf suffered from depression, and it was also believed that she was bipolar. Biography पढ़ करके that she was bipolar, और क्योंकि उन्होंने age 22 में अपने आप को मारने की कोशिश की थी, अपनी सुसाइड करने की कोशिश की थी, बट एट लास्ट इस ग्रेट राइटर, इस ग्रेट नॉवेलिस्ट का फेमिनिन
फेमिनिस्ट राइटर का जो अंत होता है, एंड होता है, सी कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 59 इन 1941। ये एक ट्रेजिक एंड होता है वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ का। उन्होंने सुसाइड किया 1941 में, जब उनकी एज 59 ईयर्स की थी। बट बिफोर दैट शी हैड रिटन ग्रेट वर्क एंड शी इम्पार्टेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। एंड जिस तरीके से मैंने बात की 1970 का जो टाइम था फेमिनिज्म से रिलेटेड, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, एंड एट दैट टाइम हर वर्क वॉट सी हैड रिटन एंड वॉट सी हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेमिनिज्म, बिकॉज ऑफ दैट शी बिकेम वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस। एंड दैट्स वॉट वी हैड इन टूडेज वीडियो रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिटरेरी करियर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वी हैड डिस्कस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हर। प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर मुझे बताइएगा। एंड प्लीज वॉच आउट दी अनदर वीडियोज अपलोडेड ऑन दिस चैनल। अगर आपको एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज मेरे दूसरे चैनल एमसीक्यूज दुनिया पे जरूर चेक कर लीजिएगा। लिंक यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर दूंगी, उसका लिंक आप जाके वहां से वीडियो के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको जरूर चेक करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी हियर ऑन दिस चैनल इंग्लिश ज़ोन।